सड़क उन्नयन कार्य में हो रहे भेदभाव में रोक लगाकर संपूर्ण सड़क का एक समान चौड़ीकरण करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। दुर्ग शहर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर भाजपा के द्वारा लगातार भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले भाजपा के पदाधिकारियों व हिंदू समाज के लोगों ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और साथ ही हनुमान चालीसा पढ़कर कलेक्ट्रेट के गेट में अपना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि शहर में हो रहे सड़क चौड़ीकरण को लेकर भाजपा सहित अन्य हिंदू संगठनों द्वारा भेदभाव का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए 67 करोड़ रुपए की राशि से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दुर्ग शहर के प्रमुख मार्गों को नेहरू नगर चौक से पुलगांव चौक तक चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें उक्त मार्ग पर सनातन धर्म की कई प्राचीन मंदिर स्थापित है, जिसमें प्रमुख रूप से मालवीय नगर दुर्ग बस स्टैंड व गंज मंडी के सामने हनुमान जी की प्राचीन मंदिर स्थापित है, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा हटाए जाने का आदेश कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं बस स्टैंड के सामने एक विशेष समुदाय का पूजा घर स्थल है, जहां अन्य शासकीय कार्यालय भी स्थित है, जिसकी बाउंड्री वॉल सड़क चौड़ीकरण में बाधक है, जिसे नजरअंदाज कर भेदभाव पूर्वक एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इसके विरोध में सभी संगठन के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। इसे लेकर ज्ञापन देने पहुंचे पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज और मंदिर में पूजा करने वाले हमारे पंडितों के द्वारा आज सुबह 11 बजे बस स्टैंड प्रांगण में जो दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर है, उसको तोड़ने का नोटिस जारी हुआ, जिसके विरोध में पूरा हिंदू समाज एक होकर के माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। विषय यह है कि रोड का जो चौड़ीकरण हो रहा है, उसमें एक साइड मंदिर है और दूसरे तरफ अन्य धर्म स्थल है, जिसमें उसमें भेदभाव करते हुए मंदिर को तोड़ने का प्रयास हो रहा है और अन्य जो धर्म स्थल है उसको छुआ भी नहीं जा रहा है। PWD गाइडलाइन के हिसाब से सेंटर पॉइंट से 7 मीटर लेफ्ट और 7 मीटर राइट में सड़कें बनना चाहिए, लेकिन कहीं पर 4 मीटर कर रहे हैं, कहीं पर 5 मीटर कर रहे हैं और एक इससे विशेष समुदाय के धर्म स्थल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने जिलाधीश महोदय से ही मांग किया है कि किसी के हम विकास के साथ में अगर मंदिर का स्थल को परिवर्तित करके दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से अन्य जो धार्मिक स्थल है उसमें भी निर्माण हो और एक सड़क अच्छा और सुंदर सड़क बने, एक्सीडेंट मुक्त हमारा दुर्ग हो, इस विषय को लेकर के माननीय जिलाधीश महोदय से बात। भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है, वो गलत बात कर रहे हैं माननीय विधायक जी। आप हम लोग सब शिक्षित हैं और इस्टीमेट के आधार पर कुछ भी शासकीय कार्य होता है। इस्टीमेट में आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी सड़क अगर निर्माण होता है, सड़क का एक मापदंड रहता है, कोई भी सड़क 12 मीटर 15 मीटर इस टाइप से उनका रेशो रहता है, उसके आधार पर काम होता है। ड्रेन टू ड्रेन, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये PWD का गाइडलाइन है, ड्रेन टू ड्रेन 7.5 सेंटर से लेके 7.5 मीटर लेफ्ट और 7.5 मीटर राइट, ये ड्रेन टू ड्रेन का इसका वर्किंग एस्टिमेट बना हुआ है। ठीक है, हमारे साथ सिर्फ हम सवाल यहाँ प्रदर्शन के लिए करते हुए व्यक्त करते हुए हम ये नहीं चाहते यहाँ पे विकास हम ये नहीं चाहेंगे, हम ये चाहते हैं धर्म है न्यायपूर्वक ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।